इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज 20 तारीख को डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है करगिल दिवस जो है वो मनाया गया। और आप सभी को बता दूं कि आप देख ही पा रहे होंगे, दो दिन से जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा का मौसम जो है वो ख़राब है। बारिशें जो है आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। बहुत सारी बच्चों ने जो है मेहनत करके कल्चरल आइटम जो है यहाँ पर तैयार करके रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बारिश को वो मंजूर नहीं था, जिसके चलते जो है यहाँ पर कल्चरल इवेंट तो नहीं हो पाया। लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हो कि आरनोड़ा से जो आर्मी का कैंप आरनोड़ा में है, वहाँ से जो है यहाँ के लिए एक करगिल विक्ट्री फ्लैम रन 2022 की तरफ से एक मशाल जो है वो निकाली गई वहाँ से, शहीदों को याद करने के लिए वो मशाल वहाँ पर निकाली और ठीक यहाँ पर जो है वो लगाई गई। और इस समय बारिश हो रही है, जिसके चलते जो है उसे वहाँ से अंदर लाया गया। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे एक्समैंस आए हुए थे, स्कूल की बच्चियाँ थी, कॉलेज की बच्चियाँ थी, इसके अलावा और भी मुख्तलिस जगहों से बच्चे थे। उस तरफ आप अगर देखेंगे तो एक्समैंस जो है वहाँ पर थे। यहाँ पर जो है TNRR के ब्रिगेडियर प्रणब मिश्र जी वो भी यहाँ पर आए थे, SSP डोडा यहाँ पर मौजूद थे, उसके अलावा और भी अफसरान जो है यहाँ पर मौजूद थे, DIO डोडा जो है वो भी उस समय यहाँ पर मौजूद थे। तो चलिए बच्चों से बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर इनको जो है यहाँ पर कैसा लगा, इनका जो है क्या कुछ तैयार करके जो है यहाँ पर बच्चे आए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कशिश। मुझे बताओ कि आपको यहाँ पर आकर जो है कैसा लगा? हमें यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये इंडियन आर्मी जो है उन्होंने यहाँ पे जो है प्रोग्राम करवाना था, तो हमने इसमें बहुत अच्छे से जो है पार्टिसिपेट अपना किया, लेकिन बारिश की वजह से जो है हम अच्छे से जो है पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए, तो यानी कि डांस नहीं कर पाए। नहीं, डांस नहीं हो पाया हमारा। चलिए, क्या नाम है आपका? सपना। आपके हाथ में जो ये गिफ्ट जैसा दिख रहा है, ये तो हमें मिला, एक्चुअली हमें मिला तो सही, पर हमें परफॉर्मेंस नहीं करने को मिला, क्योंकि बारिश की वजह से हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो देख पा रहे हैं आपकी बच्चों के चेहरे से साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें आक्रोश था कि हम जो है कहीं ना कहीं कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर कराएंगे, क्योंकि मेहनत बच्चों ने की थी, लेकिन चलिए बारिश को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते यहाँ पर नहीं हुआ। ये जितने भी तादाद में आप बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। क्या नाम आपका? बीना देवी। आप भी यहाँ पर कल्चरल में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी, हम मतलब बहुत अच्छी तैयारी भी की थी, सबने अच्छी मेहनत की थी, लेकिन बारिश की वजह से अब वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आर्मी वालों ने बहुत अच्छे से मतलब स्पीच की, अच्छे से समझाया, इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। जितने भी बच्चे जो है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सब इप्टा से जो है बिलोंग करते हैं, इप्टा के बच्चे जो है यहाँ पर ये आए हुए। तो ये छोटी सी बच्ची जो है, इनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम देवी है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की थी, मगर बारिश की वजह से हम डांस नहीं कर पाए। कितने दिनों से मेहनत कर रहे थे आप? दो तीन दिन से। तो आपको बुरा लग रहा है कि हमारा डांस यहाँ पर नहीं हुआ? नहीं नहीं, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। क्यों? बारिश भी ज़रूरी है। हाँ, बारिश भी ज़रूरी है और गर्मी भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है।
चलिए इस तरफ और भी जो है लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी पूरी जो है बातचीत करने की जो है वो कोशिश करेंगे। और आप सभी ने जो है देखा होगा डिस्ट्रिक्ट डोडा में कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो, यहाँ पर स्टेडियम में कोई भी प्रोग्राम हो तो आपको ओम प्रकाश सर जो है हमेशा प्रोग्राम में दिखेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बच्चों का बहुत मन था, बहुत प्रैक्टिस करके जो है यहाँ पर आए थे, मेहनत करके, लेकिन बारिश ने इनका पूरा जो है वो सिस्टम ख़राब कर दिया। देखिए बहरहाल ऊपर वाले से कोई लड़ नहीं सकता, ये उसके फैसले होते हैं कब क्या हो क्या ना हो, लेकिन दिल हमारा भी टूटा क्योंकि प्रोग्राम बहुत अच्छा था। वो आपका ग्रुप था या मेरी गर्ल्स की बच्चियाँ थी या हमारा दूसरा डोडा बैंड के बच्चे थे, तो प्रोग्राम नहीं हो सका। लेकिन मुझे वहाँ जो हमारी फर्स्ट लेडी हैं सुनीता मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर इन बच्चों के लिए एक प्रोग्राम अरेंज करूँगी, वेदर इट विल बी इन किश्तवाड़ और ठाठरी, क्योंकि वो पूरे तीन डिस्ट्रिक्टों को देखते हैं वहाँ से, तो मैं इनका प्रोग्राम ज़रूर देखूँगी। आज जो है डोडा में करगिल दिवस जो है उसकी याद में जो है यहाँ पर रन रैली भी जो है निकाली गई, बच्चे भी यहाँ पर आए थे, तो करगिल दिवस के बारे में क्या कहें? करगिल की एक कहानी बहुत खुली हुई है, क्योंकि इसको बयान करने से मेरे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि रिसेंटली ये 99 में जो है ये जो जंग यहाँ हुई थी उसमें हमारी फौजों को पहले बहुत मुश्किल आई, लेकिन आखिरकार हमारे बहादुर वीर जवानों ने उसको हासिल कर लिया और वहाँ से जो भी हमारे घुसपैठिए थे उनको वहाँ से भगाकर अपने जो टाइगर हिल को उसको आज़ाद करा दिया। तो सुनिए आपने जो है साफ तौर पर सुना, और यहाँ पर बच्चे जो है बैठे हुए, बच्चों कुछ कहना चाहोगे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या नाम हुआ आपका? मीनाक्षी गोड़िया। क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आज यहाँ पर करगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जा रहा था, जैसे कि आप सबने देखा होगा शॉर्ट्स वगैरह में कि यहाँ पर जो है लोगों को जो है अवार्ड्स दिए, जिन्होंने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए हमारे देश के लिए, हमारे देश की इतनी बड़ी जो विक्ट्री है जिसको हम करगिल विक्ट्री के नाम से जाते हैं उसमें अपना इनिशिएटिव जो है वो भर चढ़ के दिया। तो इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है कल्चर प्रोग्राम भी आज रखे गए थे जिसमें कि स्कूल भी इन्वॉल्व था, सोलो डांस भी था, उसके अलावा अकेडमी का डांस भी था, लेकिन शायद मंजूर नहीं था ऊपर वाले को कि क्या बारिश हो गई और फिर हम डांस नहीं कर पाए, जिसका कि हमें कहीं ना कहीं अफसोस तो दिल में है ही, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी जो हमारे अंदर जो हमारे देश को लेके जो भी प्रेरणा है, हमारे देश को लेके जो भी भावना है वो हमारी हमेशा रहेगी, और हमें बहुत खुशी हम यहाँ पर आज आए और अपने देश का एक हिस्सा बने, अपने देश के किसी दिन का एक हिस्सा बने, ये भी बहुत किस्मत वालों को ऐसे मौके मिलते हैं तो हमें भी मिला, बहुत खुशी हो रही है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडियन आर्मी जो है वो हमेशा जो है हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव हमारे लिए लाती है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लाती है जिसकी वजह से हम जो है खुद को एक्सप्लोर कर सके, दूसरी लड़कियां खुद को एक्सप्लोर कर सके, तो इंडियन आर्मी को सल्यूट है हम सब की तरफ से, जय हिंद जय भारत। चलिए जो आए हुए एक्स सर्विस मैन जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें जो है यहाँ पर आकर कैसा लगा, क्या कुछ यादें जो है उनको अभी भी करगिल दिवस की हैं। तो यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी की तरफ से एक्स सर्विस मैन जो थे उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया था, तो हम मेरे साथ जो बैठे हुए सब एक्स सर्विस मैन हैं इन्हीं से ही पूछेंगे कि आखिर इनकी क्या भावनाएं हैं, इनकी क्या आशाएं जो है वो इंडियन आर्मी के साथ है, इनके क्या डोर जो है अभी भी इंडियन आर्मी के साथ जुड़े हुए। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहिंदर लाल शर्मा, सूबेदार मोहिंदर लाल शर्मा। आपको जो है इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर बुलाया गया, क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ पे अभी बुलाया था जो ये कारगिल दिवस के उपलक्ष में हमारे को बुलाया गया था और मशाल लानी थी, तो बहुत अच्छा लगा हमारे को कि अभी भी हमारे को कोई याद कर रहा है। मतलब देखो ये सेना के अंदर सेना एक ऐसी चीज़ है जो आपको सदियों तक याद करते रहेंगे, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको याद करते रहेंगे आपको, अगर आप हम चले गए तो हमारे फैमिलीज़ होगी, हमारे परिवार होगा, तो सबको मतलब याद करते रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा हमारे को यहाँ पे आज जो प्रोग्राम है, थोड़ा बारिश की वजह से ये इधर तितर बितर हो गया, लेकिन फिर भी मतलब बहुत बढ़िया रहा। 1999 की जो करगिल वार हुई आप उस समय वहाँ पर तो नहीं थे, लेकिन आप उस समय सेना में थे, तो आपने जब वो खबरें सुनी उस समय जो है वो बातें सुनी, वो चीज़ें आपने खुद से कहीं ना कहीं देखी भी होगी, तो आपके कुछ यूनिट के लोग भी उसमें हो सकते हैं वहाँ पर होंगे, तो आपको उस समय क्या माहौल था, कैसा लग रहा था? देखो जब 99 में जब कारगिल वार लगा था तो जो मेरी यूनिट थी हम आसाम दीमापुर के अंदर में थे डबलाई, तो मैं पोस्टिंग 28 डिप जो है इन्फेंट्री डिप कुपवाड़ा में था, उस समय पोस्टेड में था,
तो वहाँ भी पूरा डिप हेडक्वार्टर बिल्कुल तैयारी हालत में था, लेकिन मेरी जो यूनिट है वहाँ से मूव करके बटालियन सेक्टर तक पहुँच गई थी, जहाँ के एक जगह का नाम है बटालियन सेक्टर, वहाँ तक पहुँच गई थी। लेकिन तब तक क्या है, मतलब लड़ाई शांत हो गई थी, तब तक टाइगर हिल को कैप्चर कर दिया था, जो दुश्मन थे उनको खदेड़ दिया गया था, और उसके बाद हमारी यूनिट वहीं से फिर डाउन हो गई थी। तो मतलब उस समय का माहौल बहुत ही, मतलब हमें ऐसा जोश था, मतलब हमारे अंदर में ऐसा एक जोश आने लगा कि हम भी वहाँ पे जाएं। लेकिन हम, मैं डीप हेडक्वार्टर के अंदर में होने के कारण हमारे को वहाँ पे नहीं लिया गया, बाकी यूनिटों को वहाँ से ले गए थे, लेकिन हम डीप हेडक्वार्टर के अंदर थे। तो बहुत मतलब जोश था कि हम वहाँ पे पहुँचे हम भी, और दुश्मन को मार गिराएं, भगाएं, और अपनी जो भूमि है उसको हम कैप्चर कर दें, ये हमारे अंदर में जोश था। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा एक्स हौलदार रामराज, मैं 8 जेकलाई से हूँ। लेकिन करगिल युद्ध के टाइम पर हम पुंछ सेक्टर में गए, तो पुंछ सेक्टर में भी माहौल वैसा ही था जहाँ जैसा करगिल युद्ध में था, लेकिन इतना था कि हम अपने बैंकरों में थे, कोई अटैक नहीं था, कोई आने जाने का कोई तैयारी सबकी थी कि कब हमारे को ऑर्डर मिल जाए और हम आगे जो है एडवांस करेंगे। और आपको जो है आज यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से जो बुलाया गया, कितनी खुशी जो है आपको महसूस? बहुत खुशी महसूस होती है जब बंदा 10-12 साल के बाद फिर इंडियन आर्मी हमें याद करती है और उस जगह पर जाते हैं, अच्छा प्रोग्राम किया जाता है, तो हमें भी दिल में फील होता है कि हम भी कभी आर्मी में थे। और जो आज की सेना को हम यही देना चाहते हैं कि वो भी अच्छी तरीके से रहें और आगे मौका मिलने पर अपना आर पार कर दें। नए यूथ को क्या कहेंगे आप, जो लड़के वगैरह लोग जो हैं आजकल जो है वो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं वो अपना फिजिकल फिट करके इंडियन आर्मी में जाएं। इंडियन आर्मी देश सेवा के लिए है और देश सेवा करें, जिसको मौका मिलता है वो देश सेवा करनी चाहिए, और जहाँ भी ड्यूटी मिलती है अच्छी खुशी से लगन से नौकरी करनी चाहिए, बस यही कहना चाहेंगे। जनरेशन को बताता हूँ, हाँ चलिए। एक जो ये अभी मतलब बता रहे हैं ना, एक कानून पास हो रही है जैसे करके अग्निपथ बोल रहे हैं, और मैं देश के पूरे देश के युवाओं को बता रहा हूँ कि आर्मी जो है वो एक मतलब जॉब का साधन नहीं है। मतलब ये सोच रहे होंगे कि हमारे को जॉब मिलेगा, हम जॉब करने के लिए आर्मी के अंदर में जाएंगे, ये आर्मी जो है मतलब कोई जॉब का साधन नहीं है। अगर उसको जॉब करना है वो रेलवे में जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट जाए, सिविल के इतने सारे डिपार्टमेंट में हैं, किसी कंपनियों में जाएं, उनमें जाएं जॉब करने के लिए। लेकिन जो इंडियन आर्मी है वो एक जॉब का साधन नहीं है, वो एक देश सेवा है, देशभक्ति है उसके लिए। और मैं पूरे देश के युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग ये जॉब मत समझो, इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। हम जाते हैं, जॉब भी मानते हैं कि जॉब हाँ है, लेकिन देश की सुरक्षा का, हाँ देश की सुरक्षा का सवाल है इसके अंदर में। वो जो बंदा फिट होगा, जो लड़का फिट होगा हर चीज़ से, फिजिकली मेंटली हर चीज़ से फिट होगा, वो देश के लिए ले सकते हैं उसको आर्मी के अंदर में, लेकिन जॉब के लिए नहीं जाना है इसके अंदर। ये मेरा मतलब देश के युवाओं के लिए मैसेज है। चलिए, तो आप सभी ने जो है सुना किस तरह से हमने बच्चों से आपकी बातचीत करा, एक्स सर्विस मैन से आपकी बातचीत करा सबको, लेकिन आप सभी को बता दूं कि 26 जुलाई 1999 को ये करगिल वार हुआ था, जिसमें लगभग जो है 550 से ज़्यादा हमारे इंडियन आर्मी के सैनिक थे वो शहीद हुए थे, और उन्हीं की याद में आज डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर करगिल विक्ट्री फ्लैम दिवस जो है वो मनाया गया। और यहाँ पर आरनोड़ा से लेकर डिस्ट्रिक्ट डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा तक जो है वो मशाल जला के लाई गई, यहाँ पर लाई मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे, इप्टा के बच्चे, गर्ल्स के बच्चे जो है वो यहाँ पर आए हुए थे, एनसीसी के बच्चे यहाँ पर थे जिन्होंने कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने की जो उनके अंदर आक्रोश था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में 3-4 दिन से जो है मौसम ख़राब चल रहा है, जिसके चलते बारिशें यहाँ पर हो रही है और बच्चे अपना कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर नहीं कर रहे। और उसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ब्रिगेडियर प्रणाब मिश्रा जी वो यहाँ पर थे, सीओ साहब यहाँ पर थे, एसएसपी साहब यहाँ पर थे, डीआईओ साहब यहाँ पर थे, और भी बहुत सारी हस्तियाँ जो है वो यहाँ पर आई हुई थी जिनकी निगरानी में जो है ये कार्यक्रम हुआ। आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ, राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।